हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे किसी भी मैट्रिसेस का, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये मेरे पास विंटर 14 का एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिसेस। मीन्स इसका मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है। जो क्वेश्चन का जो वेटेज है ये 2 मार्क्स का है, विंटर 14 में आया था। सो फर्स्ट मैं इसका देखूंगा कि मेरा ऑर्डर कितने बाय कितने का है। तो जैसे कि आपको पता होगा ये 3x3 ऑर्डर है, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, R1, R2, R3। सिमिलरली column 1, column 2, column 3। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब 3x3 का ये मैट्रिसेस है। जब भी हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो जितने मुझे नंबर ऑफ लाइंस मिलता है उसको मैं बोलता हूँ रो। ये हो गया row number 1, row number 2, row number 3। वही मैं वर्टिकली देखूँ तो जितना मुझे लाइन मिलता है उसको मैं बोलते हैं कॉलम। तो ये हो गया column number 1, column number 2 एंड column number 3। यहाँ पे मैं लिखता हूँ i into j। i स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रो एंड j स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है, 1, 2, 3, इसके लिए मैं लिखा 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई। कॉलम कितना है, column 1, column 2, column 3, therefore 3। तो कितना हो गया, 3x3। तो जब भी पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो यहाँ पे जो आप लिखोगे दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये कितने बाय कितने का है, 3x3 का। अभी मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, इसको मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख लूँगा। D इज इक्वल्स टू, ये मेरा डिटर्मिनेंट का साइन होता है। D इज इक्वल्स टू जो आपका मैट्रिसेस है उसको एज इट इज़ लिख लो, 2, 3, 5, 1, 4, 2, 3, 1, 6। नाउ अब ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो 3x3 का मैट्रिक्स में जो आपका row 1 रहता है, ये आपका कौन सा है, row number 1, उसके एलिमेंट्स को बाहर लेने का एंड एट अ टाइम वो रो एंड द रिस्पेक्टिव कॉलम को छोड़ के जो आपको 4 एलिमेंट, जो आपके 4 डिजिट जो नंबर रहेंगे वो जो बचने वाले हैं उसको आप लिखोगे इन द 2x2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। अभी देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, फर्स्ट मैं ये 2 को बाहर ले लेता हूँ। कभी भी डिटर्मिनेंट में जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो प्लस माइनस ये फॉर्मेट में आप आगे बढ़ोगे। जो आपका एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए प्लस माइनस ऐसा साइन यूज़ करोगे जो एलिमेंट है उसके पहले। तो यहाँ पे मेरा क्या है, फर्स्ट मैं प्लस लेता हूँ, तो प्लस मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप नहीं लिखते हो तो भी वो कंसिडर होता है कि कोई भी डिजिट के पहले प्लस है। तो मैंने 2 बाहर ले लिया। अभी मैंने जब ये 2 बाहर लिया तो मेरा देखो 2 कौन से रो में है, row number 1, और कौन से कॉलम में है, column number 1। मतलब row 1 column 1 का एलिमेंट्स जो मेरा नंबर्स है उसको मैं छोड़ दूंगा, रिमेनिंग जो मेरा नंबर है उसको मैं लिख लूँगा। अगेन डिटर्मिनेंट का साइन और मेरा 4, 2, 1, 6 ना row number 1 में आता है ना column number 1 में, देयरफॉर 4, 2, 1, 6 मैं लिख दिया। सेकेंड नंबर लूँगा 3। अभी मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिया था तो यहाँ पे ले लूँगा माइनस, उसके बाद सेकेंड नंबर। अब ये सेकेंड जो मेरा नंबर लिया, सेकेंड जो एलिमेंट लिया वो किस में है, row number 1 में ही है, बट द कॉलम नंबर इज़ 2। देयरफॉर मैं row 1 एंड column 2 का एलिमेंट को मैं स्किप करता हूँ और रिमेनिंग एलिमेंट को लिख देता हूँ। तो row 1 column 2, मेरा क्या पॉइंट बचता है, 1, 3, 2, 6, देयरफॉर 1, 3, 2, 6। नाउ मैंने यहाँ पे प्लस लिया था, यहाँ पे माइनस ले लिया, अगेन प्लस। अभी मैं थर्ड एलिमेंट ले लेता हूँ, row number 3 का थर्ड एलिमेंट लूँगा। तो row number 3 क्या है, 5, देयरफॉर 5। अभी ये row 1 ही है बट द कॉलम चेंज हो गया, थर्ड कॉलम आ गया। तो अभी रिमेनिंग जो एलिमेंट है आप वो लिख दो, दैट इज़ 1, 4, 3, 1, देयरफॉर 1, 4, 3, 1, और इसको आप सॉल्व कर दो। 2 एज इट इज़ लिख देता हूँ। अभी मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, डायगोनली हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4, 6 ज़ा 24, -1, 2 ज़ा 2, -3 एज इट इज़। नाउ 6, 1 ज़ा 6, 3, 2 ज़ा 6। जब भी हम डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन यूज़ करते हैं, +5, 1, 1, 1, -4, 3 ज़ा 12। अभी इसको आप फाइंड कर दो। तो इसको जब भी फाइंड करोगे तो क्या आएगा आपका, 2 एज इट इज़,
ये हो जाएगा 22, दिस इज़ माइनस 3, ये हो जाएगा 0, दिस इज़ प्लस 5, दिस वन इज़ माइनस 11, ये हो जाएगा 44 माइनस दिस वन इज़ 55, तो डिटर्मिनेंट हो गया मेरा माइनस 11, देयरफॉर डी ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू माइनस 11। अब यही इक्वेशन को मैं, जो मेरा डिटर्मिनेंट फाइंड करना था, ये मैंने थ्योरेटिकली किया, अभी मैं इसको कैलसी की हेल्प से करता हूँ। ये मेरा 99 IAS प्लस कैलकुलेटर है जो कि डिग्री में यूज़ होता है। मुझे कैलसी में इतना टाइप करने की ज़रूरत नहीं, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट मैं इक्वेशन टाइप करूँगा और मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे मोड पे ओके करो, मोड पे ओके करोगे तो देखो कॉम्प्लेक्स, स्टैटिक्स, बेस, इक्वेशन, मैट्रिसेस, टेबल, वेक्टर सब आते हैं। अभी मुझे क्या करना है, मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, किसका, मैट्रिक्स का। देयरफॉर मैं 6 एंटर करता हूँ। अभी मेरे पास है मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, आप कोई भी ले लो, मैं मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ। अभी मेरा मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, तो मैट्रिक्स मेरा है 3 बाय 3, तो यहाँ पे देखो दिया है 3 बाय 3, 3 बाय 2, 3 बाय 1, 2 बाय 3, 2 बाय 2, 2 बाय 1। मेरे पास मैट्रिसेस कितने का है, मेरा मैट्रिसेस है 3 बाय 3 का, वन नंबर पे है, देयरफॉर मैं 1 कंसिडर कर देता हूँ, देयरफॉर मैं 1 ओके किया। अभी देखो मेरे पास मैट्रिक्स 0 0 0 दिख रहा है, अभी मेरा जो मैट्रिसेस का वैल्यू है वो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। मेरा मैट्रिसेस क्या है, कभी भी रो वाइज पुट करने का, फर्स्ट कितना है 2, देयरफॉर 2 ओके, उसके बाद 3 ओके, 5 एंटर, 1 एंटर, 4 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर, 1 एंटर, 6 एंटर। तो मैंने पूरा मैट्रिसेस मैंने कैलसी में पुट कर दिया। कैलसी में पुट करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आपको एसी दबा देना है, देन शिफ्ट पे ओके करना है। शिफ्ट के बाद 4 ओके करो, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस आ गए। अभी आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। इसमें देखो डाटा है, मैट्रिसेस ए बी सी, देन मैट आंसर, डिटर्मिनेंट, देन ट्रांस, तो बहुत सारे हैं, तो आपको सब में नहीं जाना, आपको किसको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट 7 सेक्शन है, तो मैं 7 ओके कर देता हूँ। अगेन शिफ्ट वापस से 4, अभी मुझे जो मैट्रिसेस था वो कौन सा था, मैट्रिक्स ए लिया था, तो मैट्रिक्स ए कौन सा है 3, तो मैं यहाँ पे 3 ओके कर देता हूँ, और सिंपली इसको मैं चाहिए तो क्लोज कर देता हूँ, शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, डायरेक्टली ओके। नाउ द आंसर इज -11, आपका आंसर कितना था -11, मीन्स द आंसर इज वेरीफाइड। विंटर 12 एक्सपांड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, सो द मैट्रिक्स इज गिवेन, वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, तो सिंपली जस्ट आई राइट डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 3 5 -1 1, 3 5 -5 1 3। सिमिलर टू प्रीवियस न्यूमेरिकल मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसको बाहर ले लूँगा, d इज इक्वल्स टू 3, और रिमेनिंग जो मेरा बचता है उसको मैं एज इट इज लिखूँगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या मेरा रिमेनिंग है 3 5 1 3, 3 5 1 3। नाउ दिस इज प्लस, देन अगेन माइनस, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये पॉइंट है, देयरफॉर 5, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को छोड़ के जो भी पॉइंट बचता है वो आप यहाँ पे लिख दो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या पॉइंट बचता है 1 5 -5 3, 1 5 -5 3। अभी प्लस फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट दैट इज -1, तो -1 है तो मैं माइनस लिखा हूँ ना कि प्लस, प्लस लिख के देन अगेन जो भी एलिमेंट रहेगा वो एज इट इज लिखो गया, डिटर्मिनेंट साइन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के जो भी आपका एलिमेंट है 1 3 -1 1, 1 3 -5 1, ये -5 है यहाँ पे। नाउ फाइंड द डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, अभी यहाँ पे माइनस बिकॉज वर्टिकली आप कर रहे हो, 1 5 ज़ा 5, -5 3, ये -, प्लस 25, दिस इज -, -1 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे -5 है, देयरफॉर माइनस इंटू -3 इंटू 5, दैट इज इक्वल्स टू 3, दिस वन इज 4, -5, दिस इज 28,
माइनस वन, ये आपका कितना हो जाएगा प्लस 16। अब इसको आप कैलकुलेट कर दो, दैट इज इक्वल्स टू 12 माइनस 28 इंटू 5, हाउ मच 140 माइनस 16। मैंने क्या किया, जस्ट सिंपली 4 3 12 लिखा, देन 28 इंटू 5 140 एंड माइनस 1 इंटू 16 माइनस 16। तो टोटल कितना हो जाएगा 12 माइनस 140 माइनस ऑफ 16, दैट इज डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू माइनस 144। देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू माइनस 144। सिमिलर टू प्रीवियस, इसका भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलसी। ये मेरा डिटर्मिनेंट है, सिंपली मोड, देन मैं 6 पे ओके करता हूँ बिकॉज मेरा मैट्रिक्स लेना है। देयरफॉर मैट्रिक्स मैं वापिस से ए कंसिडर करूँगा, तो 1 3 बाई 3 है, देयरफॉर अगेन 1। नाउ मैं जितने भी आपके एलिमेंट्स है मैं इसको कैलसी में दे देता हूँ, देयरफॉर 3 इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू, मैंने सब एलिमेंट कैलसी में पुट कर दिए। सिंपली एसी को क्लियर कर दो, एसी से शिफ्ट 4, अभी आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, देयरफॉर 7 शिफ्ट अगेन 4, अभी डिटर्मिनेंट तो आपने ऑलरेडी पुट कर दिया, अब वो मैट्रिक्स कौन सा था, मैट्रिक्स 1, देयरफॉर मैट्रिक्स 1 इसमें कौन से नंबर पे 3, देयरफॉर 3, और सिंपली क्लोज द ब्रैकेट और सिंपली इक्वल्स टू, देयरफॉर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू माइनस 144, सो द आंसर इज वेरीफाइड।